हे दोस्तों नमस्कार, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो JPSC की जो परीक्षा 2016 की जो छठी PSC होने वाली है, उस पर आज हाई कोर्ट का, झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आने वाला था। क्या फैसला आया है, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, JPSC की जो परीक्षा है वो बहुत ही, उस पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। वहाँ पे हालत ये थे कि एक जगह परीक्षा चल रही है मेंस की और बाहर आंदोलन चल रहा है। आप सोच सकते हैं किस प्रकार का वहाँ पे स्थिति रही होगी। दोस्तों, आज सुनवाई थी, एक स्टूडेंट ने मात्र अपना पक्ष रखा है और ये जो अगली सुनवाई है दोस्तों 6 मार्च दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो JPSC की अगली सुनवाई दोस्तों 6 मार्च को होगी और आयोग ने, वो तो फ्रेंड्स पहले ही बोल दिया था जब परीक्षा चल रही थी, स्टूडेंट इस परीक्षा पर रोक लगाना चाहते थे, बोलते थे फिर से रिजल्ट बने और फिर से रिजल्ट आए। लेकिन जो हाई कोर्ट ने परीक्षा रद्द नहीं की थी, उन्होंने ये बोल दिया था कि जो मेंस का रिजल्ट है वो हाई कोर्ट की देख रेख में जारी किया जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट की बिना परमिशन के आप आयोग मेंस का रिजल्ट जारी नहीं कर सकते, यानी कि मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो तारीख मिली है वो 6 मार्च मिली है। अब 6 मार्च को देखते हैं क्या सुनवाई होगी। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।